welcome to a brand new episode of Glam It Up with me, Krystle D'souza. वैसे तो we should love ourselves the way we are, but कभी-कभी ऐसा मन करता है ना कि हमारे हाथ में कोई magic wand आ जाए जिसे घुमाते ही हमारा face और भी beautiful हो जाए, है ना? मुझे तो ऐसा मन करता है. और मेरे पास ऐसा magical wand है भी, you know? Ta-da! My magical wand. वैसे मेरे पास सिर्फ एक ही wand नहीं, बहुत सारे wand हैं. Brushes makeup का सबसे important tool है. तो आज के episode में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा brush, कौन से makeup के लिए use होता है, जो generally मुझे लगता है कि सबको नहीं पता. अगर brushes का कोई doctor होता ना, तो वो contouring brush जरूर होता. I mean imagine, ये आपके face को slim और trim दिखाता है, बिना doctor की मदद से. Heart shaped face is the most desirable face. और ये अचीव करने के लिए आपको बस चाहिए आपका कॉन्टोरिंग ब्रश. आपको अपने फेस के एक तरफ थ्री बनाना पड़ेगा और दूसरी तरफ उल्टा थ्री बनाना पड़ेगा एंड जस्ट कॉन्टोर. फिर आप अपने ब्रश को पिंच कर सकते हैं और बीच वाले कॉन्टोरिंग को आसानी से अचीव कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव अ फैट अनोइंग नोज लाइक आई डू, जस्ट कट इट, रिपीट द स्टेप ऑन योर नोज. ये है पाउडर ब्रश. आपने जहाँ जहाँ फाउंडेशन लगाया है ना, उस फाउंडेशन को सेट करने के लिए आपको पाउडर चाहिए और पाउडर लगाने के लिए आपको पाउडर ब्रश चाहिए. एंड देन दिस ब्रश कैन बी योर नंबर वन फैन. आई मीन यू कैन फैन योरसेल्फ यार. ये है स्पंजेस. ये आते हैं अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप्स और साइजेस में, लेकिन इन सबका काम तो एक ही है. ये आपके मेकअप को ब्लेंड करता है और आपके मेकअप को फिक्स कर देता है, मेकिंग योर फेस लुक सो नेचुरल. और ये है मेकअप का इरेजर. अगर मेकअप करते वक्त कोई गलती हुई हो, यू कैन इजिली इरेज इट विद दिस लिटिल इरेजर. सो गर्ल्स रिमेंबर, ये टैटू नहीं है, ये मेकअप है. अगर गलतियां हो जाए कोई बात नहीं. सो दिस इज अ ड्यूअल ब्रश. एक साइड से आप आई शेडो डाल सकते हैं और दूसरे साइड से आप ब्लेंड कर सकते हैं. ब्रश है ब्रशेस का फरहान अख्तर. आई मीन मल्टी टैलेंटेड, मल्टी पर्पस ब्रश, ऑलराउंडर है ये. भाग मिल्का भाग. बेसिकली ये ब्रश यूज होता है छोटी छोटी जगहों में, आंखों के बिल्कुल नीचे, जहां पे आपका स्पंज या कोई बड़ा ब्रश ना फिक्स हो, वहां पे ये छोटा सा प्यारा सा ब्रश चला जाता है. एंड ऑफकोर्स लिपस्टिक के लिए भी. ब्लश ऑन ब्रश. गेस कीजिए किस चीज का ब्रश हो सकता है. आई मीन कम ऑन, टेक अ वाइल्ड गेस. ऑफ कोर्स अपने ब्लश ऑफ को ब्लश ऑन करने के लिए ब्लश ऑन ब्रश. ब्लश, ब्लश माने शर्माना. और जब आप शर्माते हो तो आपके गाल लाल होते हैं ना. अगर नेचुरली लाल ना हो तो फिर ये ब्रश ही तो काम आएगा. So now you know how to use these brushes efficiently, and if anybody tells you otherwise, tell them to brush off. आज के crystal clear tips. Tip number one. जब भी आप अपने brushes को wash करते हो, तो dry करते वक्त brush को upside down रखो, ताकि पानी बाहर निकल जाए और अंदर ना जाए. वरना बेचारा brush. I mean it'll get spoiled. They have feelings too. I promise. Tip number two. जैसे आप अपने ब्रश से अपना एक्स्ट्रा पाउडर हटा सकते हो, वैसे ही अपने एटीट्यूड से सारे स्टीरियोटाइप्स हटा सकते हो. बिकॉज यू शुड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ग्लैम इट अप. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप देम हैप्पी. ओके, लाइक आई टोल्ड यू, दे हैव फीलिंग्स. सो यस, इफ आई हैव फॉरगॉटन एनी ब्रशेस, यू हैव गॉट टू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कॉमिक वाला. चलो